कि कौन विनर होगा। तो इस बार का जो विनर है बिग बॉस 17 का वो मुनव्वर फारूकी है। ये अभी आप नोट डाउन कर लो चाहिए वर्ड्स जो है, मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 का विनर है। जो गाइस आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, एक महीना पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मुनव्वर फारूकी जो 100% बिग बॉस का विनर होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई मुझे कैसे पता कि मैंने पहले ही कैसे प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्ट भी नहीं किया था मैंने, मैंने कहा था 100%, मैंने कहा ऐसा नहीं कहा था कि हो सकता है, मैंने कहा था 100% मुनव्वर फारूकी जो है वो विनर होगा। तो आज हम बात करेंगे भाई मुनव्वर फारूकी जो है डिजर्विंग थे या नॉन डिजर्विंग थे विनर बनने के, जो रेस थी उसमें डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। तो गाइस देखो, एक महीना पहले ही अगर मैंने बोल दिया था कि 100% मुनव्वर फारूकी विनर होंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे लग रहा था उस वक्त ही उनकी गेम देख के और उनकी स्पोर्ट, गेम से ज्यादा गेम इतनी रही नहीं उनकी, लेकिन उनकी स्पोर्ट जो थी बाहर वो अलग ही लेवल थी, और उसी से पता लग रहा था कि भाई मुनव्वर फारूकी जो है वो विनर होने वाले हैं बिग बॉस 17 के 101%। इसमें ये नहीं बोल सकते कि बिग बॉस बायस्ड है, नहीं भाई बायस्ड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो स्पोर्ट बाहर से मिली है मुनव्वर फारूकी को वो 101% तभी से बताता था कि भाई विनर यही बंदा बनने वाला है। अभिषेक कुमार का अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैंने ये भी बता दिया था कि टॉप 3 में मनारा जाने वाली है, बिल्कुल सही प्रिडिक्ट हुआ है गाइस, जो मैंने बोला है बिल्कुल सही प्रिडिक्ट हुआ है। मैंने कहा था मनारा चोपड़ा जो है टॉप 3 में जाने वाली है, वो अंकिता या अभिषेक दोनों ऐसे किसी एक का नंबर काट देगी, क्योंकि उसकी सपोर्ट जो है वो बाहर से तगड़ी आ रही थी, उसको प्रियंका चोपड़ा ने भी सपोर्ट की थी और परिणीति चोपड़ा ने भी सपोर्ट की थी, तो उसकी भी तगड़ी सपोर्ट आई थी, वोटिंग उसके लिए बहुत अच्छी रही थी, जो भी वोट मिले थे भर भर के वोट मिले थे भाई गाइज उनको मनारा चोपड़ा को, ठीक है। अंकिता लोखंडे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लग रही थी जब उनका एविक्शन होने वाला था, जब वो टॉप 4 में थे तो अंकिता लोखंडे को लग रहा था कि मैं तो 101% फाइनल में जाने वाली हूँ। वहां उनका मुंह इतना सा हो गया जब उनका ही नाम हो गया, पहले वो बोल रही थी कि मैं निकाल के दिखाती हूँ सबसे पहले, सबसे लास्ट में उसका और अभिषेक का साथ में निकलवाया गया, तो वहीं पे वो टॉप 3 में भी नहीं आ पाई अंकिता लोखंडे जो है। और गाइज अगर आप एपिसोड देखोगे भाई 6.5 घंटे का बिग बॉस का एपिसोड है, इतने में तो एक शिफ्ट पूरी हो जाएगी बंदे की, 6.5 घंटे का फाइनल एपिसोड है, सब लोग मुझे पता है नहीं देख सकते, तो मोटी मोटी न्यूज जानने के लिए बंदे रहते हैं कि हाईलाइट क्या रही शो की, फाइनल में जो थी वो हाईलाइट यही थी मेनली कि अंकिता लोखंडे को उसका ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब गया, उनको उसको लग रहा था अंकिता लोखंडे को कि मैं ही विनर बनने वाली हूँ, विनर नहीं तो टॉप 2 में तो जाने ही वाली हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभिषेक कह सकते हैं उसकी बात से इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, उसने शो में ही आके बनाई फैन फॉलोइंग जो है, तो इसलिए वो विनर नहीं बन पाया, वरना डिजर्व वो भी करता था। और दूसरा अगर अभिषेक विनर हो जाता तो एक जो है बैड एग्जांपल सेट हो जाता शो के लिए, क्योंकि उसने थप्पड़ भी मारा था, अगर थप्पड़ मारने वाला बंदा ही विनर बन जाएगा तो फिर शो की वो रेपुटेशन नहीं बचेगी, तो इसलिए अभिषेक को विनर नहीं बनाया गया। अभिषेक की गेम अच्छी थी, थोड़ा सा माइंड से और खेल लेता तो शायद विनर बन जाता, लेकिन मुनव्वर फारूकी जो है बिल्कुल डिजर्विंग थे इन वाले कंटेस्टेंट में, अगर इससे कोई दमदार बंदा होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि भाई मुनव्वर फारूकी डिजर्व नहीं करते थे। इनमें से सभी में देखा जाए तो मुनव्वर फारूकी की गेम सबसे बढ़िया थी, बीच में बिग बॉस ने उसे खुद भी डिमोटिवेट कर दिया, तो मतलब कुल मिला के डिजर्विंग था, अच्छी गेम खेली और स्पोर्ट के हिसाब से उसी को विनर बनना चाहिए था। तो गाइज आपको कैसी लगी ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिग बॉस अभी खत्म एक सीजन हुआ है, हर सीजन मैं नई नई वीडियो लेके आता रहूंगा, कोई भी रियलिटी हुआ है उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा, उतने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले टाइम में मैं बिग बॉस के जो भी इंटरव्यू मुनव्वर फारूकी बोलेंगे बाहर वो भी कवर करूंगा, तो उसके लिए जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।